कांग्रेस क्या है राजनीतिक माहौल यहाँ का? कांग्रेस या बीआरएस, कौन सी पार्टी? कांग्रेस आते। कांग्रेस क्यों? क्या है राजनीतिक माहौल यहाँ का? बीआरएस और कांग्रेस? बीआरएस। इलेक्शन चल रहा है, क्या माहौल है इलेक्शन का? इंग्लैंड इलेक्शन में तो कांग्रेस ही है। कांग्रेस और बीआरएस? कांग्रेस। नमस्कार, मैं हूँ आंचल और आप देख रहे हैं डीवी लाइव। तेलंगाना चुनाव कवर करते हुए हम पहुंच चुके हैं महबूब नगर। गोलकुंडा की खदान यही है जो कि हीरे के लिए जाना जाता है, कि हीरे की खदानें जो हैं यहां पर हैं। गोलकुंडा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, आप सभी जानते हैं। माना यह जाता है कि कोहिनूर जो बहुत ही फेमस है, इस वक्त भारत में नहीं है बल्कि इंग्लैंड में है, लेकिन चर्चाएँ दुनिया भर में होती हैं, वो कोहिनूर हीरा जो है वो यही गोलकुंडा की खदान से निकला है, ऐसा माना जाता है। तो हम भी अपने कोहिनूर यानी कि जनता के खोज में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं कि वो क्या कुछ सोच रही है और किसे अपना मत जो है वो दे रही है। दो दिन बाद इलेक्शन होगा जिस दिन वो मतदान करेंगे, और यहाँ का राजनीतिक माहौल जो है वो जानने के लिए पहुंचे हैं, चौराहे पर खड़े हुए हैं। पीछे अगर आप देखेंगे तो ये तेलंगाना की जो राजनीति है, किसानों की, मजदूरों की, और जो पूरी ये एक तरीके से जो यहाँ का समाज है वो आप देख रहे हैं। यहाँ पर पीछे आपको दिखाई देंगे कुम्हार मटका बनाते हुए, लुहार हथौड़ी से काम करते हुए वो नजर आ रहे हैं, लुहार हैं, और फिर धोबी भी है जो कपड़े धो रहा है, उधर मछुआरा है जो मछली लेकर आ रहा है, और बाकी काम पर जाती महिलाएं हैं। इधर आप देखेंगे तो पूरा समाज जो है, हल भी आपको दिखाई देंगे, एक लड़की जो है वो गाय को पकड़े हुए नजर आ रही है। मतलब पूरा समाज जो है एक भारतीय जो सभ्यता संस्कृति होती है उसको बहुत ही बखूबी से दर्शाया गया है। तो हमने सोचा कि अपने जो भी हम यहाँ पर रिपोर्ट बनाने हैं उसकी शुरुआत यहीं से करते हैं। अब अगर इससे थोड़ा सा हम पीछे घूमेंगे तो यहाँ पर हमारे जो संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उनकी एक मूर्ति जो है वो चौराहे पर लगी हुई है जो आप देख सकते हैं। अब ये जब हम यहाँ पर पहुँचे महबूब नगर गोलकुंडा, तो हमने सोचा कि लोगों से बात करने से पहले आपको बता दें कि क्या कुछ खासियत यहाँ की है और क्या कुछ यहाँ का जो है वो खास है। तो जब हम वहाँ से दिल्ली से निकले थे, यहाँ पर आए थे, तो हमने सोचा था तेलंगाना में जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन जब यहाँ पर आए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिली जो कहीं ना कहीं हमें यहाँ से कनेक्ट करती है, जिनके बारे में हम किताबों में पढ़ते थे, फिल्मों में देखते थे, वो आज हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। लोग जो हैं भले ही थोड़ी भाषा की दिक्कत है लेकिन बहुत एक्सप्रेसिव हैं, अगर आप वो बात कर रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि वो क्या कुछ बात कर रहे हैं। तो आप ये सारी चीज़ें बताने के बाद लोगों से बातचीत करने चलते हैं। चलिए, तो यहाँ पर एक फल विक्रेता है जो ड्रैगन फ्रूट बेच रहे हैं, आप देखिए ये दिल्ली में भी आपको दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर बहुत ही, यहाँ खेती होती है इसकी? खेती यहाँ पे भी होती है लोकल में, यहाँ पर लोकल में खेती होती है। अब आप देखिए थोड़ा इसका टेस्ट जो है, आपने खाया होगा तो देखा होगा हल्का सा मीठा जो है, लेकिन बहुत ही हेल्दी माना जाता है इसे, तो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब बताइए बिक्री उक्री अच्छी हो जाती है यहाँ पर? आपने बहुत ढेर सारा रख रखा है, बिक्री हो जाती है? बिक्री तो होती है, अब इलेक्शन मोमेंट है ना, थोड़ा बहुत कारोबार नहीं है। अच्छा, इलेक्शन चल रहा है तो क्या माहौल है इलेक्शन का? इंग्लैंड इलेक्शन में तो कांग्रेस ही है। कांग्रेस है यहाँ भी महबूब नगर? पूरा मगध में भी कांग्रेस ही आई। अब आपको बता दें ये जो महबूब नगर है ये टीआरएस का गढ़ माना जाता है, केसीआर जो है उनकी ये लोकसभा सीट भी रही है 2009 की। अब यहाँ पर आप बोल रहे हैं कांग्रेस, ऐसा क्यों? कांग्रेस की बदलना चाहिए, कोई तो एक बदलते जाना, कुछ करे नहीं, कोई भी क्या भी कुछ करे नहीं है, नए लोग आएंगे तो कुछ तो भी करेंगे। सरकार से कोई उम्मीद नहीं है? नहीं है। काम धंधा कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, सब अल्लाह का दिया हुआ है। कांग्रेस ही आएगी? क्यों, कांग्रेस में क्या खासियत? बदलना चाहिए, कांग्रेस कुछ तो भी करती, उम्मीद है। उम्मीद क्यों है कांग्रेस से, ऐसा क्या है कांग्रेस है ऐसी? अब बदलना चाहिए सरकार को, एक ही आदमी जीतेगा तो कुछ भी क्या भी करेगा नहीं, कोई नया आदमी आएगा कुछ तो करेगा गरीब के लिए। तो बदलाव की बातें आपने देखा, जैसे हम यहाँ से आए एक दुकानदार है उनसे बातचीत की तो वो बदलाव की बातें कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब सरकार जो है वो 10 साल तक रह चुकी है, अब कोई नया आएगा तो वो गरीबों की भी सुनेगा। आगे चलते हैं और भी लोगों से बातचीत करते हैं।
तो महबूब नगर में चुनाव कवर कर रहे हैं और इधर हमारे ऑटो वाले भैया हैं, उनसे बातचीत की कि चलिए ऑटो स्टैंड तक मुझे ले चलिए, क्योंकि आज अगर आप देखें तो राहुल गांधी की एक वीडियो आई है, राहुल गांधी ऑटो वाले के ड्रेस में नज़र आ रहे हैं और उनके साथ वो चल रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो आप तेलंगाना में जान रहे हैं TRS और कांग्रेस का मुकाबला है, तो कितना कुछ वो जो ऑटो वाले हैं उनको वो प्रभावित कर रहे हैं या कितना प्रभाव ऑटो वालों पर पड़ेगा, यहाँ पर इन लोगों से बात करेंगे और ऑटो स्टैंड पर जाकर बात करेंगे। तो चलिए मैं भैया के साथ चलूंगी, आप ऑटो स्टैंड तक ले चलेंगे? हाँ, लेके जाएंगे ऑटो। चलिए चलिए, तो मैं यहाँ से ऑटो स्टैंड चल रही हूँ, वहाँ पर लोगों की राय जानूंगी। बहुत मेहनत। हाँ, तो मैं ऑटो में बैठ गई हूँ और राहुल गांधी की तस्वीरें तो आप सभी ने देख ही ली होगी और इसीलिए मैंने ऑटो चुना है कि ऑटो से ऑटो स्टैंड तक जाएंगे और वहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे, ऑटो वाले भैया से भी बातचीत करते जाएंगे कि क्या कुछ माहौल यहाँ पर चला है। भैया, क्या है यहाँ का राजनीतिक माहौल? अभी राहुल गांधी तो आना चाहिए मैडम, अभी कांग्रेस आते वो सब, कांग्रेस का अभी आने का है मौका, आगे क्या है इतना मालूम नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी जा रहे हैं लोगों के बीच में, ऑटो वालों से बात कर रहे हैं, मजदूरों से बात कर रहे हैं, किसानों के बीच में नजर आ रहे हैं, तो इसका प्रभाव पड़ रहा है? आना तो चाहिए, राहुल गांधी तो जरूरी आना चाहिए। अभी इससे प्रभाव पड़ रहा है उससे? इससे तो राहुल गांधी जमीन पर प्रभाव डाल पा रहे हैं? अभी तो राहुल गांधी वो चल रहा है, अभी राहुल गांधी का ज्यादा चल रहे है। चल रहा है। और TRS? TRS का भी चल रहा है मगर अभी मुकाबला है। अब दोनों तो अभी इधर महमनर में दो भी बराबर चल रहे है, अभी कौन अभी कौन सा आता है इतना आपने भी इतना मालूम नहीं पड़ेगा। एक सेकेंड, क्या है यहाँ राजनीति? क्या बोले, कौन है इधर? BRS और कांग्रेस? TRS। BRS कांग्रेस और राहुल गांधी? कांग्रेस नहीं, वो तो नहीं। TRS है। हम TRS राजनीतिक माहौल यहाँ का? BRS और कांग्रेस? TRS माहौल यहाँ का? कांग्रेस और BRS? कांग्रेस। क्या है राजनीतिक माहौल यहाँ का, कांग्रेस या BRS, कौन सी पार्टी? कांग्रेस आते। कांग्रेस क्यों? कारगुल तो आके क्या कर रहा, क्या भी ना कर रहा, डीजल रेट हो रहे, अन्य कोई इशू बैठी रेट लो, आज उससे ना नहीं माना तग्गी सदी नूने रेट लो। हिंदी में बोल सकते? हिंदी नहीं आते हमारा, थोड़ा थोड़ा आता है। राहुल गांधी आज ऑटो वाले से मिले हैं, ऑटो वाले की ड्रेस पहना उन्होंने, इससे क्या प्रभाव पड़ता है ऑटो वाला को? राहुल गांधी इस ड्रेस में, ऑटो ड्रेस ऑटो वाला ड्रेस वेसुकना अंटना अर्थम आता है? हिंदी समझ नहीं हो रहा हमारा को, हिंदी समझ में नहीं आ रही, हिंदी नहीं आ रही, तेलुगु में बोलो। आपको आता है? किसी को आता है? आपको आता है? काई को? हिंदी है ये, हिंदी हिंदी है, हिंदी नहीं आता हमारा, हिंदी नहीं आता। पर आपने बोला कि कांग्रेस क्यों, थोड़ा सा बताएंगे? कांग्रेस आया तो डीजल रेट तक ऑटो चार्जेस माना लाभम गल के सदा नहीं। देखिए थोड़ी सी भाषा की समस्या है, लेकिन इनका ये कहना है कि कांग्रेस आएगी तो डीजल का दाम जो है वो कम होगा। साथ ही उनका ये कहना है कि राहुल गांधी को लेकर जब हमने सवाल पूछा तो उन्होंने उस पर भी खुशी जो है वो जाहिर की है, इसका मतलब ये है कि ये भी बदलाव की बात कर रहे हैं। कांग्रेस और BRS? कांग्रेस। वाय हिंदी आती? हाँ, हिंदी। अच्छा, तो कांग्रेस क्यों? कांग्रेस आने से क्या होता, कुछ ना कुछ तो बदलता, अब तक तो तेलंगाना में कुछ भी नहीं हुआ, गरीबी वजी से, जैसी की वजी से, किसको क्या दिए नहीं, कुछ भी नहीं, गरीबों को कुछ भी नहीं दिए, पूरा इलनॉय खा गए, क्या देने वालों को दिए नहीं देने वालों को बढ़ते गए। क्या कमियां हैं सरकार की? डबल रूम है, जैसे कि दो बेडरूम का घर है, जो देना है उनको नहीं दिए, फालतू लोगों को दिए, करंट की बिल, गैस का खर्चा और महंगाई हमारे को बढ़े। हाँ, रोडों पे कारोबार नहीं सरकार कर दिए। हाँ, कुछ भी नहीं है, पेस्ट है पूरा, है तेलंगाना जो बोल रहा है KCR पेस्ट है, देने वालों को दिया नहीं, दो दिन की सर्वे लगा के बंद करके कई लोग को मार दिया, गरीब भर गए, अभी तक मेरे घर नहीं मिला, कहाँ मिला घर, वही किराए के घरों में पड़े हुए, दिए ही नहीं।
अब वो देने किसको दिए, बाहर से खजाबा वो गौड़ा जिसको पास घर आए मेरे साथ में लेके चल के बता दूँ, घर आए उन लोगों को, उन बिल्डिंग घर आए उन लोगों को घर दिए हुए जिसके पास नहीं है, कुछ भी नहीं है, फालतू है पड़े हुए जैसे कहा उसी, खाली करंट की बिल बन रहे 200-150 रुपये बिल आती थी, 800-800 1000-1000 रुपये बिल बन रहे। हाँ, कौन सी पार्टी यहाँ पर अच्छा कर रही है, किसको लाने की उम्मीद है? टीआरएस और कांग्रेस। टीआरएस इंडियन आया था, टीआरएस कांग्रेस, ओनली कांग्रेस, नो टीआरएस, पहले टीआरएस देने वाला मैं बता दो, मेरे सबके लेके चल के बता दो, गए ऑटो वाले कभी गरीब पड़े हुए कुछ को कुछ मिला ही नहीं, अब उन लोगों करके लोगों को कुछ मिला इसलिए टीआरएस बोल रहे लोग। चलिए और भी लोगों से आगे बात करते हैं, थैंक यू। क्या है राजनीतिक माहौल यहाँ का, कांग्रेस या टीआरएस? बोल सकते नहीं, टीआरएस आएगा कांग्रेस आएगा, बोल सकते नहीं कौन भी मुकाबला है, दो मुकाबला है दोनों में 99% कौन सा नहीं बोल सकते हैं। आपके पास क्या मुद्दे हैं? टीआरएस के है बहुत ज्यादा है, 99% टीआरएस का है। अच्छा, चलिए क्या है राजनीतिक माहौल यहाँ का, इधर का विश पार्टी? पार्टी कांग्रेस आएगा। कांग्रेस, वाय? कांग्रेस आएगा। हिंदी में बात कर सकते हो? हाँ, हिंदी में। कांग्रेस क्यों? अभी केसीआर नहीं आएगा। नहीं आएगा क्यों? केसीआर ने कुछ काम नहीं आएगा, कुछ काम नहीं किया, करा गरीब को क्या करा, रोड डाले तो हो जाता क्या, रोड कौन मांग रहा, डबल बेडरूम नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, उन्होंने घर नहीं दिया। हाँ, नहीं दिया, उसका से उसको नहीं डालेगा, नहीं डालेगा, कांग्रेस को डालेगा, कांग्रेस को डालेगा, कांग्रेस को डालेगा, और तो वाले कांग्रेस के साथ। चलिए क्या है यहाँ राजनीतिक माहौल, कांग्रेस या टीआरएस? लोग बोल रहे हैं कि बीच दोनों के बीच में मुकाबला है, कांग्रेस है। वाय? क्यों क्यों बोले तो कांग्रेस थोड़ा अभी अच्छा बोल रहे ना, टीआरएस कुछ भी बोल रहा है लेकिन कुछ भी नहीं कर रहा, नहीं कर, घर नहीं मिला, घर किसको भी नहीं आया। हमारा इधर कोइलकोंडा है, दो बेडरूम की बात तो वो कर रहे हैं, डबल बेडरूम किसको भी नहीं दिया, बोल रहा है लेकिन किसको भी नहीं दिया। राहुल गांधी आज ऑटो वाले से मिले, ऑटो वाले की ड्रेस पहनी, तो क्या इससे प्रभाव पड़ रहा है? हाँ, राहुल गांधी बोल रहे हैं कुछ भी करेगा वो, उम्मीद है, भरोसा कर रहे हो? भरोसा है, भरोसा है, भरोसा है। सोनिया गांधी आके बोल के गए ना 11-6 गारंटी करके वो सब देगा वो, सोनिया गांधी की बातों पर भरोसा? हाँ, भरोसा है, भरोसा है, लेकिन ये बोलते हैं कुछ भी काम नहीं करते। हाँ, टीआरएस काम करते लेकिन बोलते भूल जाते, घर जाके भूल जाते, इधर बोले थे कुछ मीटिंग डाले तो आके बोलते, घर में जाके भूल जाता। लोग तो बोल रहे हैं कि मुकाबला है टीआरएस और कांग्रेस के बीच में, लोग बोल रहे हैं कि टीआरएस और कांग्रेस के बीच में मुकाबला है। नहीं, अभी पूरे कांग्रेस ही आता किधर भी। हाँ, कांग्रेस आता। एक सेकंड, क्या है राजनीतिक माहौल यहाँ का, कांग्रेस या बीआरएस, दोनों के बीच में? बीआरएस। क्यों? मंची पनों जैसी है, मंची पनों जैसी है काम। नहीं समझती। क्या है यहाँ का माहौल, कांग्रेस या बीआरएस? कांग्रेस। या बीजेपी? नहीं, कांग्रेस। कांग्रेस क्यों? अभी कुछ नहीं, क्या कांग्रेस आना बोल के सोचे होता है। राहुल गांधी पे भरोसा है? हाँ है। और केसीआर पर? नहीं है। क्यों नहीं है? कहीं को बोला तो दो बार दिया। केसीआर ने कुछ दिया नहीं? कुछ दिया बोले तो करया, थोड़ा बहुत करया, मगर हमारे तो कुछ भी घर नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, घर नहीं मिला, क्या नहीं मिला, कुछ सहूलत नहीं है, हर एक चीज सब आइटम बढ़ के से। आप बताइए, बीजेपी। अच्छा, चलिए एक हमारे जो हैं यहाँ के जनता जो एक मिली जो बीजेपी की बात कर रही है, अब आप यहाँ देखिए यहाँ की पॉलिटिक्स कितनी इंटरेस्टिंग है। उत्तर भारत में अगर आप बात करेंगे तो 1 बेडरूम की बात होती है, लेकिन यहाँ पर 2 बेडरूम की बात होती है। अब एक हमारे भैया जो है ऑटो वाले, वो बोल रहे हैं कि केसीआर वाले आके यहाँ वादा तो करते हैं लेकिन घर जाके ये भूल जाते हैं, इसीलिए हम बदलाव चाहते हैं। और ज़्यादातर ऑटो वाले जो हैं, आज राहुल गांधी ने ऑटो वाले की ड्रेस भी पहनी है, और उसके बाद अब ऑटो वाले से जब हम बात करें तो ज़्यादातर कांग्रेस की बात यहाँ पर चल रही है। भैया, विच पार्टी इज़ बेटर?
दिस पार्टी इज बेटर, बेटर इज इन कांग्रेस पार्टी बेटर। व्हाई कांग्रेस? कांग्रेस पार्टी इज ग्रेट पार्टी है ना ऑलरेडी। राहुल गांधी ने आज ऑटो वाले की ड्रेस पहनी है, फर्क पड़ता है इससे? कुछ नहीं पड़ता, कुछ नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता। तो कांग्रेस क्यों? आओ यस कांग्रेस। फिर क्यों? कौन सी पार्टी यहाँ चुनाव में बेहतर करने की कौन सी पार्टी पर उम्मीद आप जता रहे? बेहतर बोल तो कांग्रेस के। कांग्रेस क्यों? सारे ऑटो वाले कांग्रेस कांग्रेस तो अच्छा कर रहे ना वो पहले भी। ऑटो वालों से कुछ आकर कांग्रेस वालों ने गठबंधन तो नहीं कर लिया आप सभी कांग्रेस? काय कर ले, अच्छा कर रहे ना सब, अच्छे के लिए बोल रहे हैं सब अच्छे। कांग्रेस पहली बार भी अच्छा कर, अभी अच्छा कर रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। पहले भी अच्छा कर रहे ना इसलिए कांग्रेस बोल रहे ना। दो बार तो टीआरएस आ गई, अब चांस तो देना पड़ता है सब लिए, वही बोल रहे हैं। बदलाव बोल रहे तो बीआरएस की कोई योजना आपको नहीं मिली? वो नहीं मालूम मेरे को, मैं तो वो डालना है कांग्रेस को, डालना है वो तो कांग्रेस को डालना है। तो चलिए सब लोग क्या बोलते हैं बोलो। चलिए ठीक है ठीक है। तो आपने देखा कि जो ऑटो वाले हैं, एक जो हैं वो पीछे कस्टमर जो ऑटो वाले के पीछे बैठे हुए थे उन्होंने बीजेपी का नाम लिया, एक ने दो ने कहीं केसीआर या टीआरएस की बात कही होगी, लेकिन ज़्यादातर ऑटो वाले जो हैं वो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, वो राहुल गांधी के बारे में बात कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने जो वो ड्रेस पहनकर और जिस तरीके की मुलाकात की है, कहीं ना कहीं अब कांग्रेस जो है वो फ्रंट फुट पर आकर लड़ रही है। और राहुल गांधी जनता का मूड क्या है और जनता को क्या आवश्यकताएं हैं उस चीज़ को वो समझ रहे हैं, और इसीलिए कांग्रेस मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। और यहाँ पर जहाँ टीआरएस का गढ़ माना जाता है, ये लोकसभा जहाँ केसीआर की लोकसभा रही है 2009 में उन्होंने चुनाव लड़ा, अब यहाँ पर कांग्रेस का शोर जो है वो सुनाई पड़ रहा है। हमने तमाम ऑटो वाले से बातचीत की, कुछ दुकानदारों से भी बातचीत की, लेकिन एक ही नाम जो है वो लगातार लिया जा रहा है और वो है बदलाव।